तो आप कह रहे, आप कह रहे हैं भाजपा के राज में यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, फिर यहाँ की जनता लगातार भाजपा को क्यों चुन रही है? यहाँ क्या है कि शुरू से कैलाश जोशी के नाम पे बीजेपी चलती रही, तो आप नहीं जीतेगा, अब नहीं जीतेगी, कांग्रेस ही आएगी। लेकिन सरकार लाडली बहनों को पैसा भी तो दे रही है। तो लाडली बहनों को दे रही है, आज वो ही बहनों को दी थी गैस टंकी, तो वो जंगल में जा रही लकड़ी ले। को लगता है कि जनता ये कर्ज वाली खबरें पढ़ती है और फिर उसका असर पड़ता है। आपके विधानसभा क्षेत्र से जो पिछली बार विधायक चुने गए थे, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट रहा। माहौल तो बहुत विचित्र है, बौखलाई हुई है सरकार पूरी तरह से। 5 साल से कहाँ गए थे बहनों को पैसा देने के लिए, जब चुनाव आए तब रेवड़िया बांट रहे हैं। अच्छा, हाट पिपलिया भी आपके जिले में एक विधानसभा सीट, वहाँ का क्या हाल है? कैलाश जोशी जी के पुत्र दीपक जोशी शायद वहीं से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। जनता पागल नहीं है, जब उनका बेटा कांग्रेस में आ चुका है तो उनके नाम पे वोट देगी। अब इसको नक्की उखाड़ के फेंकना आपके साथ। और शिवराज सिंह और मेरे ख्याल से तो 2024 में भी मोदी जी भी घर बैठने वाले हैं। क्या इस क्षेत्र की जनता, सतवास की जनता क्या चाहती है, क्या जानती है क्षेत्र की जनता? अच्छा हाँ, आप बताइए, इस क्षेत्र की जनता इस बार किस मिजाज में? परिवर्तन में, परिवर्तन चाहती है। किस से परिवर्तन? बस काम नहीं, सिर्फ विधायक से परिवर्तन है कि ये सरकार से परिवर्तन है? विधायक से, विधायक नहीं चाहिए ये। कारण क्या है? कारण क्या, देखा ही नहीं सतवास में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। विकल्प क्या है अगर वो नहीं चाहिए तो? फिर आपके पास अच्छे विकल्प क्या है जनता के पास, और कौन से नेता अच्छे हैं? जनता के पास नेता तो अभी बहुत से नाम चल रहे हैं। सतवास की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जिसको लेकर जनता परेशान है? ये वो इलाका है जहां से कैलाश जी चुनाव जीत कर जाते थे, क्या फिर भी कुछ समस्याएं हैं इस इलाके में? उनके समय में अलग था, अब कुछ परिवर्तन आना चाहिए। रोड है, नाली है, व्यवस्था देखना चाहिए, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक हैं। दादा, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? मेरा नाम तो तुलसीराम है और मैं डूब क्षेत्र से आया हूँ। अच्छा। इंदिरा सागर डूब का प्रभावित हूँ। अच्छा। और यहाँ आने के बाद देखा कि जितना बीजेपी में भ्रष्टाचार है उतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा। क्यों कि यहाँ का विधायक भी नगर पंचायत से पैसे ले लेता है 50,000 रुपये महीना, और जैसे हमारे जैसे जाते हैं तो उनको कोई सुनता नहीं। अभी मैंने ग्राम पंचायत नगर पंचायत से दुकान भी ले रखी है, उसका केस चल रहा है, 5 साल हो गए, यानी नगर पंचायत की दुकान बंद है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं करी उसका, यानी विधायक का। तो आप कह रहे हैं भाजपा के राज में यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है, फिर यहाँ की जनता लगातार भाजपा को क्यों चुन रही है? ये केवल कैलाश जोशी के नाम पर चुनती चली आ रही है, ऐसा नहीं है कि कोई वो है। यहाँ क्या है कि शुरू से कैलाश जोशी के नाम पे बीजेपी चलती रही, इसके कारण उसको करते हैं यहाँ के लोग। अब तो उनका परिवार भी कांग्रेस में चला गया, तो अब नहीं जीतेगा, अब नहीं जीतेगी, कांग्रेस ही आएगी। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी तुम जाके किसी से भी पूछो तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, 5 विधानसभा सीटें इस जिले में हैं, उनमें से कितनी सीटों पर आप मजबूती देख रहे हैं भाजपा की, और कितनी सीटों पर मजबूती देख रहे हैं कांग्रेस? कांग्रेस आएगी चार, क्या चार सीटों पर, 5 में से। हाँ, इतना बड़ा उलटफेर हो सकता है, कारण क्या है? कारण ये भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। अब जैसा शिवराज सिंह जी का आज पेपर में आया, आज 20 करोड़ का इनने कर्ज लिया, 1 महीने में पहले 10 करोड़ का लिया, फिर 1 करोड़ का लिया, तो अब ये भ्रष्टाचार ही बढ़ रहा है, यानी पब्लिक में बांट रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और अभी जैसी गैस टंकी इनने बांटी थी, फ्री में बांट दी, उसको 1150 में बेची, तो कितना प्रॉफिट कमाया इन। लेकिन सरकार लाडली बहनों को पैसा भी तो दे रही है। तो लाडली बहनों को दे रही है, आज वो ही बहनों को दी थी गैस टंकी, तो वो जंगल में जा रही लकड़ी लेने, वो भी तो 1100 की थी, तो वो भी तो लकड़ी लेने गई ना जंगल में, इन्हें फ्री में दी थी। इनका लालच है, टुकड़ा डाल देते हैं और फिर देवड़ा दुगना वसूल करते हैं, चौगुना वसूल करते हैं। ये सरकार ऐसा मान के चल रही है कि इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तो वोट तो मिलेगा? नहीं, वोट मिलेगा तो देश को तो बेच रहा है ना। ये 20 करोड़ किसको मालूम है कि 20 करोड़ लिया कर्ज,
या 10 करोड़ लिया तो ये मालूम थोड़ी है पब्लिक को। आप पेपर में या टीवी में देखते हैं तो सबको मालूम हो गया कि कितना करोड़ इनने कर्ज। आपको लगता है कि जनता ये कर्ज वाली खबरें पढ़ती है और फिर उसका असर पड़ता है? आज मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं भी पब्लिक ही हूँ, मेरे को भी मालूम हुई तो दूसरे को भी मालूम होगी कि कितने करोड़ का कर्ज किया है इनने और फ्री में बांट रहे। तो क्यों बांट रहे? अच्छा, आपके विधायक इतना पैसा यदि पब्लिक में लगा तो पब्लिक का काम तो हो ना, फ्री में बांटने में क्या है? आपके विधानसभा क्षेत्र से जो पिछली बार विधायक चुने गए थे, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? भ्रष्ट, बिल्कुल भ्रष्ट रहा उसका, कोई काम नहीं किया उसने। 50,000 रुपये जैसे नगर पंचायत से 50,000 लेना ना, थाने से 50,000 ले लेना, तो अब वो तो उनके वसूल करेंगे ही। इनने सब काम वो भ्रष्टाचार किया, जैसा वो कर्मचारी था वहाँ से सीख के आया और यहाँ भी पब्लिक को लूटा। तो जनता नाराज है? नाराज है। क्या कर रही? हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, क्या क्या माहौल क्या है आपके यहाँ? माहौल तो बहुत विचित्र है, बौखलाई हुई है सरकार पूरी तरह से। 5 सीटें हैं आपके ज़िले में, 5 में से कितनी सीटों पर क्या परिवर्तन और क्या मजबूती देखते हैं आप भाजपा और कांग्रेस की? परिवर्तन तो 5 सीटों पर लगभग है, सभी जगह जनता परेशान है पूरी तरह से। कारण क्या है परेशानी के? कारण महंगाई, बेरोजगारी। जो टंकियाँ 400 रुपये की आती थी वो आज 1,000 रुपये की हो गई है। पेट्रोल का भाव देख लो आप, शक्कर का भाव देख लो, कोई सा भी सामान देख लो, हर एक चीज़ का भाव देखो। बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, अभी बिजली का बोल रखा है कि बिजली माफ़ कर रहे हैं, सबके बिजली के बिल माफ़ हो रहे हैं, किसी का बिल माफ़ नहीं हुआ है। सबको वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्थगित कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि हमने बिजली माफ़ कर दी, बिजली माफ़ कर दी, मगर सारे लोगों के बिल स्थगित किए जा रहे हैं। अरे भाई, बहनों को भी तो पैसा दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। 5 साल से कहाँ गए थे बहनों को पैसा देने के लिए? जब चुनाव आए तब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, चुनाव जब जब याद आ रही है। 5 साल से कहाँ गए थे, अब रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, सरकार का खजाना है, कर्ज ले रहे हैं और लुटा रहे हैं। नहीं, लेकिन पिछली बार तो जैसे आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीती थी, 2 पर कांग्रेस जीती थी, इस बार आंकड़े क्या हो सकते हैं? पिछली बार 3 पर जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार क्या होगा? पिछली बार तो क्या सत्ता परिवर्तन हुआ, जैसे सिंधे ने पार्टी बदली तो सत्ता परिवर्तन होगा। अब सत्ता जब परिवर्तन होता है तो जब डबल से चुनाव हुए तो उसी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। अब 5 साल का समय, 3-3.5 साल का समय बीत चुका है तो लोग समझ चुके हैं क्या वापस परिवर्तन की लहर है, कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, हाट पिपलिया भी आपके ज़िले में एक विधानसभा सीट, वहाँ का क्या हाल है? कैलाश जोशी जी के पुत्र दीपक जोशी शायद वहीं से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, और वहाँ से जो मनोज चौधरी जीते थे वो चुनाव कांग्रेस से जीते थे लेकिन बाद में भाजपा में आ गए थे, उनकी क्या स्थिति है? भाई, भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आने का उनका कोई रीज़न होगा तभी तो आए हैं। आज उनका ही चेहरा, उनका ही, उनके पूर्व, उनके पिताजी का चेहरा लेके ही बीजेपी वोट मांग रही है। जनता पागल नहीं है? जब उनका बेटा कांग्रेस में आ चुका है तो उनके नाम पर वोट देगी? कैलाश जोशी के नाम पे उनको वोट नहीं देने वाली जनता, क्योंकि उनका खुद के बेटे दीपक जोशी खुद कांग्रेस में आ चुके हैं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। उनके नाम पे वोट मांग रही है पर ऐसा कुछ भी नहीं है निश्चित। इस बार हाट पिपलिया, खातेगांव, सोनकच और एक और कौन सी देवास, एक 4 सीट बागली, 4 सीट तो लगभग कांग्रेस लेकर आएगी, लेकर आ सकती है। अच्छा, दीपक जोशी का क्या प्रभाव है इस जिले में? दीपक जोशी के आने से बहुत ज्यादा प्रभाव आया है, कांग्रेस की लहर मजबूत हुई है। अच्छा, हाँ। तो अलग अलग नतीजे के नाम से बीजेपी यहाँ जीतती चली आई, हाँ। तो उसका प्रभाव तो है, यानी दीपक जोशी का भी प्रभाव है उनका है। दादा, क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? ठेकेदार। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी, क्या माइंडसेट क्या है जनता का, चुनाव को लेकर क्या तैयारी है इस बार? क्या शिवराज सिंह पूरी घबरा गए, हम खिंचवा गए इससे, बहुत जोर से धाप लिया है इससे। अच्छा, हाँ, अब इसको नक्की उखाड़ के फेंकना, आपके साल फेंकना है। हाँ, आम जनता का जो रुझान है, पिछली बार तो ऐसा नहीं लगा, पिछली बार तो यहाँ से 3 सीटें जीती थी भाजपा, इस बार क्या लग रहा है? आपकी पूरी खत्म हो जाएगी सर, पूरे एरिया से। कारण? कारण ये कुछ करा ही नहीं पहाड़ सिंह ने, विधायक ने कुछ करा ही नहीं, पैसा काम कुछ भी नहीं, केवल पैसा हेड़वा और लेगा यहाँ से। विधायक के खिलाफ नाराजगी आपकी अकेले की सबकी है?
विधायक के खिलाफ तो सभी की है और सरकार के खिलाफ भी सभी की है। इस बार जो है परिवर्तन बिल्कुल होना है और ये निश्चित ही है कि कमलनाथ की सरकार इस प्रदेश के अंदर इस बार बनेगी। और शिवराज सिंह और मेरे ख्याल से तो 2024 में भी मोदी जी भी घर बैठने वाले हैं, ये मेरा मानना है। वो तो भविष्य के गढ़ते में है। कुछ युवा साथी हमारे साथ में बात करेंगे, क्या हल है, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? सर ये युवा ऐसे हैं बात ही नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, इनका विकास नहीं हो पाया। आप बताओ क्या हाल है इस क्षेत्र में? बढ़िया है। मतलब राजनीतिक रूप से क्या हाल है? राजनीतिक रूप से बढ़िया है। युवा खुश है? खुश है, सारे मुद्दे खुश है, खुश है। बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए, हमारा तो यही है। क्यों आना चाहिए? कारण ऐसा काम कर रही है हम गरीब के लिए। सीनियर लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ आपके विधानसभा क्षेत्र में। क्यों ना हुआ, काम होता है सर। जैसे मुझे गिनाई है ना, क्या क्या हुआ आपके विधानसभा? बहुत से काम हुए, जैसे गैस टंकी मिल रही है, गैस टंकी दिए, गैस टंकी देने के बाद में 400 में कर दिया, अब उसको 400 में भरवा रही है। वो सबको मिल रही है? वो मिली है ना सबको? ना ना ना, सबको नहीं मिल रही है वो। लाडली बहना, हाँ लाडली बहना और को मिल रही है ना। अभी तो सर तो लाडली बहने सरकार फिर से बनवाएंगी? बनाएंगे ना सर, बनवाएगी सर, पक्का। और आपके विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको लेकर बड़ी नाराजगी यहाँ के लोगों में दिख रही है। विधायक का क्या परफॉर्मेंस रहा 5 साल में? सर अच्छा रहा, ऐसा कोई दिक्कत? आप कह रहे हैं बढ़िया रहा? आप बढ़िया हैं सर। कमल पटेल जैसा, आप बताएं सर। बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया है देवास जिले के इस विधानसभा क्षेत्र में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है मध्य प्रदेश की। ये कैलाश जोशी जी की भूमि है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उदय का विचार और स्थापना का संघर्ष शुरू होता है। और इस क्षेत्र में विकास के कई काम हैं जो जिसको लेकर जनता परेशान है और आशावादी है, लेकिन फिर देखते हैं कि इस चुनाव में यहाँ से क्या परिणाम निकलता है। यहाँ के लोगों से, बहुत सारे लोगों से अलग अलग विचार हमें मिले हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस इलाके में इस बार जनता का माहौल क्या है और हवा किसकी है। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। बीजेपी आएगी।